मैनी ऑफ देम दोज हु आर सिटिंग हियर, वो भी मेरे साथ लगे कि यार ये बंदा सही बात कर रहा है, ये तो एक इदारा बनने जा रहा है और इसके कितने दूरदर्श बताए जाएंगे। तो हमने कम्युनिटी सर्विस को फोकस किया, ये हमने ना कोर वैल्यूज रखी सितारे। कोर वैल्यू ये रखी कि जी हम जेनेटिक्स वाले ज्यादा समझते हैं कि जहां डाइवर्सिटी नहीं होती वहां अखीर होता, वो सर्वाइवल मुश्किल होता। हम प्लांट स्पीशीज में समझते हैं कि जब नैरो हो जाती जेनेटिक बेस तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन पे चली जाती है। जिस क्रॉप में जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है उसके सक्सेस के, स्प्रेड के, फ्लरिश करने के चांसेस इतना ज्यादा होते हैं। इख्तलाफ होने बड़े जरूरी हैं, उसके बगैर हम प्लांट ब्रीडर, अगर वेरिएशन हो तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि बेस्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ना हो तो हम क्रिएट करते हैं डाइवर्सिटी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम चाहे क्रॉसेस करें, कोई म्यूटेशन करें, ट्रांसजेनिक बनाए, कुछ ना कुछ करके हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो वो डाइवर्सिटी को हमने यहाँ पे जिसको कहा कंसेप्ट दिया है कि फाइंडिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम मिलके काम करने पे बिलीव करते हैं, वी डोंट बिलीव इन यू नो डिवाइड। और अच्छा, इसी तरह करके हमने जो यहाँ यूनिवर्सिटी में वो जो एक टिपिकल है कि ये जी एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, ये हॉर्टिकल्चर है, ये फलाना है, ये मेरा लेक्चर रूम है, ये तेरा है, ये मेरी लैब है, तेरी लैब है, इसको भी हमने यहाँ पे ख़त्म किया। हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब बनाई। एक तो उससे हमारी फैकल्टी में ना पता ही नहीं लगता भी ये हॉर्टिकल्चर में बंदा आया कि प्लांट ब्रीडिंग में आया, ये एग्रोनॉमी में आया कि क्लाइमेट चेंज में है, सॉइल में है कि इसमें। सो दे इंटरेक्ट वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइकवाइज स्टूडेंट्स। तो ये जो क्रॉस कल्टीवेशन ऑफ आइडियाज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप साइलोज में रह के कभी ग्रो नहीं कर सकते, यू हैव टू ओपन अप, लोगों से डिस्कस करें। अब यू नो जो स्टेक होल्डर से हो, तो यहाँ पे एक ये एनवायरनमेंट हमने बिल्ड किया। दूसरा हमने चेंज ये की कि ये जिस ब्लॉक में आप बैठे हो इसको हम कहते हैं अंडरग्रेजुएट ब्लॉक। बीएससी के स्टूडेंट जो हैं ना वो यहाँ पे पढ़ते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक हमने अलग बनाया, जहाँ वो यहाँ पे अंडरग्रेजुएट लैब्स हैं हमारी, पोस्ट ग्रेजुएट लैब्स अलग आप लोग विजिट करोगे, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, एक और जो डिफरेंस क्रिएट किया कि हमने स्टूडेंट्स को हायर किया। यहाँ पे जो फाइनेंशियल एड का बड़ा सिस्टम है, बड़े स्पॉन्सर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कह देंगे इतने बच्चों की फीस देनी है, वो कहते हैं जाओ जी भेजो जी हम दे देते हैं, या ये ज़रूरत है तो हमें इसका बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ हमने अपने सिस्टम कर रखे हैं कि हम वो जो डेली वेज लेबर हायर करते हैं, जो हमारा स्टाफ है लोअर स्टाफ, वो मिनिमम, ये एक बड़ा की पॉइंट है एजुकेशन के लिए। पॉजिटिव एंगेजमेंट कि हर बंदा, हमारे बंदे कम हैं लेकिन हर बंदा वेला, कोई नहीं वेला हम रहने नहीं देते। हमने एक ही एक फैमिली है, ये हम डांटते डपटते भी हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वी रिमेन गेट अवर सेल्फ एंड अवर स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट किसी न किसी सोसाइटी में, जिस जो उसका दिल करता है, कोई नवा आइडिया ले गया तो कहते अच्छा यार तू अपनी सोसाइटी बना ले। तो जो स्टूडेंट सोसाइटीज बड़ी तक उसमें वो हैप्पीनेस फील करते हैं। यानी हमने टर्म ऑफ रेफरेंस ये दिया हुआ उनको कि यार खुश रहना, और ये जो आपके चार साल या छः साल जितने दिन पढ़ोगे आपको सारी ज़िंदगी याद रहने चाहिए। आप जो सबक पढ़ के जाओगे क्लासों में बहुत सारे इरेलीवेंट होंगे, पता नहीं आपकी जॉब एग्रीकल्चर से होगी या किसी और सब्जेक्ट में होगी, वो डेफिनेशनें भूल जाएंगी, लेकिन ये ज़माना आपको याद रहना चाहिए कि हमने ये ज़माना यहाँ पर। हम किसी को रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं देते, हमने किए हैं कुछ पीएचडी के लिए ना, और एक में सिस्टम रखा हुआ कम्पीट करते हैं स्टूडेंट, यू नो विन कर जाते हैं ग्रांट्स जो अपनी उसके लिए, लेकिन ओवरऑल हम रिसर्च के लिए फैकल्टी को कहते हैं कि हम तुझे यहाँ ले आए हैं, अब हमारा कमाओ पुत्र या धी तुम हो। तो हम जब वहाँ छोटी सी बिल्डिंग में थे, 900 स्टूडेंट थे हमारे पास, तो एक एमरी की छोटी सी मस्जिद में जुमा पढ़ लेते थे, फिर थोड़े से बड़े हमने एक फ्लोर एड उस पर किया, तो फिर अल्लाह ताला ने एक बंदा भेजा, उसने नाम यहाँ सरदार तमीर रियाज साहब को, पता नहीं आप जो वज़ीर आज़म रहा वहाँ का आज़ाद कश्मीर का, उसको भेजा। तो हमने बेसिकली उसे लाइब्रेरी की बिल्डिंग बना ली, लेकिन मस्जिद थी नहीं, तो हमने उसको मस्जिद में जुमे के लिए कन्वर्ट कर दिया। फिर उससे स्टूडेंट बढ़े तो अल्लाह ताला ने और सिलसिला शुरू किया, तो एक मस्जिद आप देखिएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब ने एक बंदा भेजा। आज वो कुदरती आया हुआ था, एक स्मार्ट बॉय बच्चा, पीएचडी करके आया टर्की से, उसने जनाब कहा जी मैं डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मस्जिद का, उसने बनाया। और हमने कंसेप्ट उसको ये दिया कि ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, हर सोसाइटी वहाँ आए। और हमने कहा इसके अंदर ही एक कैफेटेरिया हो, सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और सारा कुछ,
और मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं दोपहर को ऐसे कुछ दोस्तों को बुलाया, तो मैंने उसका नक्शा उनके सामने रखा, यार मैं ये ना कितना खूबसूरत नक्शा बना। खैर उनको समझ का जी डॉक्टर साहब अल्लाह का नाम लो शुरू करो जी, बस वो शुरू किया और पता नहीं रब कहाँ कहाँ से दे रहा है। तो वो और मेरे पास जब बंदे आते हैं, मैं उनको कतन ये नहीं कहता कि मुझे मस्जिद के लिए पैसे दो, मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये मस्जिद देखते हुए जाना है, बस दैट्स इट, इसको देखते हुए चले जाना। और हमने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी बनाया, उसी में सीड साइंस है, ये BSc भी ऑफर करते हैं, ब्रीडिंग की भी, बायोटेक्नोलॉजी की भी और सीड साइंस की भी। ये हमारे डिग्री प्रोग्राम थे जी, 9 प्रोग्राम थे जिस वक्त मैं मेजर्स थे हमारे पास ऐसे स्ट्रगलिंग से। और मैं अगले दिन देख रहा था, मैं बना रहा था एक रिपोर्ट, तो कोई अक्रेडिट उस वक्त नहीं था, एक आधा शायद कोई विजिट हुआ भी हो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 37 हैं, MSc की ठीक है 29 हैं, BSc के इंक्लूडिंग मेजर जो प्रोग्राम है। ये हमारी जो ग्रोथ है, अगेन आई से एक ग्रोथ मॉडल को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। यू आर ऑल लीडर्स ऑलरेडी, और आप में से बहुत सारे इंशाल्लाह को वाइस चांसलर बनेगा कोई और कहीं पे सर्व करेंगे, तो हमेशा थिंक स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए स्ट्रेटजी विच वी मेड। ये हमारे पास पब्लिकेशन है, और मैं हमारा एक प्लांट ब्रीडिंग का बच्चा है बाबर फरीद, उसने 2023 में है ना कि 22 में पेपर पब्लिश किया नेचर जेनेटिक्स में 41.7 इम्पैक्ट फैक्टर में, एंड वी फील प्राउड। और मैं लोगों को बड़े फख्र से बताता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में 10 से ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश नहीं कर पाया, और कोई हम ऐसे देखते हैं यार नेचर में पेपर पब्लिश कर दिया, तो वो हमारा बंदा जो है ना यार ये वो साइटेशन जो बढ़ रही हैं, और ये फिर हमारी फंडिंग है जो नेशनल इंटरनेशनल और इंडस्ट्रियल फंडिंग है। तो ये मुख्तलिफ उसके ग्राफ्स हैं, जितनी हमारी जो ऑपरेशनल बजट नहीं है जितना ये है। अच्छा, बिजनेस प्लान में हमने ये रखा कि ना हम इस वक्त तकरीबन 70% हम खुद जनरेट कर रहे हैं, और हमारा अगर आप पूछिएगा कि आप कितनी फीस लेते हो और हम कितनी फीस लेते हैं, हमारी फीस कम है क्योंकि यहाँ पावर्टी एक डोमिनेट करती है, हमारे अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ मेकिंग मनी वो बहुत है, जिसमें इंडस्ट्री है, हमारी एग्रीकल्चर की फार्म इनकम है, हमारी कंसल्टेंसीज हैं, उनसे हम काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। ये मुख्तलिफ पेटेंट्स हैं जी हमारे पास, जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हुए जिसमें फ्लॉपी इरीगेशन है, माइक्रो प्लाट है। ये हमारा एक हाइब्रिड वीट का प्रोजेक्ट है जो हमने विन किया डिफिड से, इनोवेट UK, उसमें पार्टनर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के थे, और KWS सीड कंपनी थी यूरोप की वो थी, तो हमने ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया यहाँ पे, और हमें फिर नेशनल असम्बली ने अप्रिसिएशन किया। जो ये एक नई जो ब्रीडिंग वाले समझते हैं, जो क्रॉप्स इस वक्त आपको सक्सेसफुल नज़र आती है, कौन सी नज़र आती है, मकई कामयाब है कि नहीं, राइस का कोई नहीं आया इशू, जिस चीज़ में हाइब्रिड हो ना उसका सीड का इशू ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें देख तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उसमें सीड बेचना होता है। दूसरी बात ये कि जी सीड रिप्लेसमेंट 100% हो जाती है, हर बंदा नया उसका हर साल उसको सीड लगाना पड़ता है। तो जो क्रॉप्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मसलन कॉटन में कर रहे हैं या वीट में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम हाइब्रिड का, तो ये वीट की जो टेक्नोलॉजी थी ना जिसमें वीट में हाइब्रिड वहाँ कामयाब होता है जहाँ मेर स्टेलिटी का सिस्टम अच्छा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने BLA सिस्टम के साथ इसका स्टेलिटी का सिस्टम ले आया। तो अब हम दूसरा, हमने एक और बात जो इस इदारे में की, तो हमने एक बड़ी क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करते हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम बिजनेस करना नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम है बिजनेसेस क्रिएट करना, ऐसा काम करना जिससे प्राइवेट सेक्टर आगे जाए, इसी फिलॉसफी को रखा, इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैं। तो हमने जो हाइब्रिड बनाए, फातिमा ग्रुप है, ये जो LCI है, पहले ICI होती थी, और इंडस्ट्री होती, आज भी बायर वाले यहाँ पर बैठे, तो हर इंडस्ट्री यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठी रहती है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं ये, और वीट की वाटर सेविंग है, न्यूट्रिशन है, यूज एफिशिएंसीज है, बाकी चीज़ें हैं जो अब हमारी स्पॉट एग्जामिनेशन के ट्रायल पे हैं, जो फाइनल वैरायटी अप्रूवल में होता है कि वाटर सेविंग करते हैं। ये ड्रिल, ये भी अगेन ये मॉडल इम्पोर्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से,
हमारे जो अंजीनी के लोग थे उन्होंने जिसको अब अप स्केल कर लिया, ये ब्रीडर वर्जन था, ब्रीडर वर्जन भी बनाया और फार्मर्स के। अच्छा एक और जो की चीज़ें मैं आपको बता दूँ उस पर मैं दोबारा फोकस करता हूँ, हमने यूनिवर्सिटी में ओपननेस बड़ी रखी है। मसलन मशीन जितनी बनाई है ना, हमारी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त चलती रहे। हमने जनाब ना वो चार मशीनें इधर उधर से पैसे पकड़ पकड़ के वो बना ली, और हमें कोई बंदा कहता ना कि यार मुझे मशीन जमा कर ले जाए यार। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए भी, अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने मशीन्स को ये लोगों के इस्तेमाल में हर वक्त चलती रहती है। पेड इंटर्नशिप, जो बंदा पे करता है वो अपनों से काम लेता है, और जो काम लेता है वो काम सिखा देता है। सो वो जो यू नो जो वर्थ बनती है ना उसको काम। ये जगह थी जी जहां हमने लैंड किया जी, आप देखेंगे इस बिल्डिंग को सबसे पहले उस स्ट्रेटजी में हमने इसको, ये डबल स्टोरी के लिए थी इसकी फाउंडेशन, तो हमने डबल स्टोरी किया। अब हमारे पास इसके हाईटेक इक्विपमेंट देखिएगा और उसका फिर यूज़ देखिएगा, हम इस पर बहुत खास फोकस करते हैं। ये जगह थी जी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, वैसे बंदी हुई, ये देखो ओल्ड शुजाबाद रोड है, कितनी कीमती ज़मीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मास्टर प्लान इसका बनाया हुआ है, बहुत वेल थाट है। बाहर की तरफ एक राउंड अबाउट है, अंदर ये एक बिल्डिंग है ऐसी सी बिल्डिंग, जिनोम सेंटर वहाँ बन रहा है, एक और अच्छी सी ने हमें पैसे दिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि ज़रा यूनिवर्सिटी अगर सबने देखी है तो ये बाहर राउंड अबाउट है और अंदर एक कॉरिडोर बनेगा जिससे लोग इन बिल्डिंगों को कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका मास्टर प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तलिफ बिल्डिंग है, एडमन ब्लॉक है, ये वो लाइब्रेरी जो सरदार तनवीर ने दी, इस्लामिक ब्लॉक है, मलबरी कोर्ट्स है, फैकल्टी हॉस्टल है, ये मस्जिद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगेन इसमें हम कैफेटेरिया वगैरह, हम बल्कि सोच रहे हैं स्टूडेंट अफेयर का दफ्तर भी वहाँ, कि बच्चे फिरें गिरें और वहाँ आ जाया करें। तो जब वहाँ आएंगे कुछ स्पोर्ट्स करेंगे साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो माशाल्लाह बन रहा है तेज़ी से। ये हमारा रिसर्च फार्म है, ये भी आप देखेंगे, ये भी वही जगह थी जो मैंने दिखाई हुई पैसे बंधी हुई थी। ये जलालपुर में हमारे पास 500 एकड़ फार्म था, ये आप कल लोग जाएंगे, ये भी उसकी रजात का, ये ज़िंदगी में ना एक बात और पल्ले बांधो, रिस्क रब की ज़ात ने देना है और जरूर देना। हमारा ईमान है बड़ा पक्का, अपने रब से काम मांगा करो, जिसके पास काम कोई नहीं है मेरे ख्याल में वो रब के पसंदीदा बंदों में से नहीं। तो काम जिसके पास है, और काम उसी के पास आता है जो काम करता। तो ये 2016 में रब ने हमें एक जो ये सूरत हाल थी, 2012 में ये अलाट हुआ, फिर हमने ना बड़े बड़े औखे के 5 किलोमीटर का खाला है, ये हमने वाटर मैनेजमेंट वालों से बनाया था, ऐसे तो खैर हमारे थे। इसकी भी ना लेवल देखिएगा, कोई सिल्टिंग इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, इतना अच्छा इसका लेवलिंग नहीं है। और फिर जो 6 माह की वहाँ पर कनाल है, पट्टी माइनर जो चलती थी बंद होगी, फिर कोई और से चली होगी, टेल पे हम बैठे हैं, कभी पानी 6 माह में भी किसी किसी दिन आ जाता नहीं आता। हमने फिर कोशिश की कि उसको इकट्ठा कर लें, उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, इसमें हमने फ़िश डाल दी, साल्ट वाटर में हमने श्रिंप डाल दिए, फ़िश फार्मिंग की आप देखें कल जाके। ये हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपनी इस्तेआत के मुताबिक चलाते रहे। फिर हम ये एक प्रोजेक्ट हमने किया कि हमने दरिया के तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब जाके मीठा पानी था, वहाँ अपने 2 जगह पर 10-10 मरले ज़मीन खरीदी, वहाँ टर्बाइन लगाई, अंडरग्राउंड वाटर ले आए, वो पाइप ये आपको नज़र आ रहा है 14 इंच का ये पाइप है। वहाँ पे ना जलालपुर की मैं सूरत रहता हूँ, मैं जब शुरू शुरू में जाता था और कोई अफसर वहाँ टिक के राजी नहीं था, इतना डिजर्टेड शहर था वो कि मेरा भी दिल करता था यार मैं भाग जूँ यहाँ से कहीं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके देखें तो इतने ट्रीज लगे हैं, इतनी प्लांटेशन हुई है। हमारा डॉक्टर मुकर्रब है एग्रोनॉमी का, वो उसको प्लांटेशन को व्यापार की ओनरशिप रखती है। बाकी लोग अब अपना इसने आसिफ रजा ने बनाया, वहाँ पे बकरियाँ शकरियाँ रखनी शुरू की हैं, और वहाँ पे हमने क्लासेस भी शुरू कर दी। ये स्ट्रक्चर हमने, वो कॉटन लगी हुई है यहाँ भी, ये कल आप खुद देखोगे। ये हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ विद रियल इम्पैक्ट में हम ना ये जो 4 चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट मोबिलिटी एंड ओपननेस, क्राइसिस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इंडस्ट्रियल एबिलिटी, और ये टॉप की चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये टॉप की चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो इसमें हम टॉप 100 में, इसी तरह करके ये रैंकिंग में भी 500, 600, 700 में, हालांकि हमारी एज जो है ना 2013 में हमारी इंडेक्समेंट हुई, 2013 का इंडेक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब सस्टेनेबल यूनिवर्सिटीज़ का इंडेक्स है, ये फिर अल्लाह ताला ने अवार्ड भी बड़े दिए सबको। तो ये जनाब ये थोड़ी सी हमारी काविश है।